हम स्टार्ट कर। देखो आज हमारा मोटिव क्या है, देखो पहले एजेंडा समझना। आज का एजेंडा है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग लेनी। डिजिटल मार्केटिंग में करना क्या है, कैसे होता है। सपोज आप किसी कंपनी पे गए, आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव गए, तो आपके की रोल्स क्या, आपको करना क्या, इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आज की क्लास में देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक का एजेंडा है, आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, मैं सब कुछ आपके साथ करूंगा। अच्छा एक क्वेश्चन है कि सर लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, जब होगी तो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ मेरी वीडियो देखनी है, मुझे देखना है, जो मेरा कंटेंट है उस पर फोकस करना है। जब भी मैं कोई क्वारी पूछूं आपसे, कुछ क्वेश्चन पुट अप करूं, आप उसका आंसर करना। ठीक है, अब अभी स्टार्ट करते हैं। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं, व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक वर्ड में, सिर्फ एक वर्ड में, आप क्या बताओगे, क्या मार्केटिंग किसको बोलते हैं, मार्केटिंग का क्या मीनिंग है। अगर मैं एक वर्ड में पूछूं आपसे कि आपको एक वर्ड में मार्केटिंग डिफाइन करना है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। नहीं, बायर सेलर नहीं है, सेलिंग नहीं है, वेरी नाइस अजय, वेरी गुड। रिकॉल नहीं, एडवर्टीजमेंट हरीश करेक्ट है, सेल नहीं है निकिता, पीयूष आनंद वेरी गुड करेक्ट, राहुल वेरी गुड करेक्ट, वेरी नाइस। देखो एक वर्ड में समझाना है मार्केटिंग, तो मीनिंग क्या है, प्रमोशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रचार करना। तो मैं आपसे पूछता हूं, जो अभी चुनाव प्रचार हो रहा है, क्या ये मार्केटिंग है, जो अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या ये मार्केटिंग है। करेक्ट, वेरी गुड। बाकी लोग बोले, मैक्सिमम लोग बोले यस, बिल्कुल करेक्ट। आप आजकल देख रहे हो हर किसी की एड यूट्यूब में दिख रही होगी, क्या आप लोग को यूट्यूब में एड दिख रही है, किसकी किसकी, सबकी एड दिख रही होगी यूट्यूब में, वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो भी कैसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, वेरी नाइस। जितना भी प्रमोशन है, मार्केटिंग को डिफाइन कैसे करते हैं, प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज नोन एज मार्केटिंग। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई सर्विस है, उसका जो भी प्रमोशन है उसी को हम मार्केटिंग बोलते हैं। अब इसी में एक वर्ड है जो आपको बताना है, यहां पे लिखा हुआ है ब्रांडिंग, रिलेटेड है मार्केटिंग से ब्रांडिंग। बोलोगे बिल्कुल सर, मार्केटिंग का मेन मोटिव ही क्या, कि मुझे अपने बिजनेस को ब्रांड बनाना है, क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है, पब्लिक तक इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करी, इससे क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट और सर्विस की ब्रांडिंग हो जाएगी। तो इसमें बोलोगे सर पब्लिसिटी, बिल्कुल पब्लिसिटी हो रही है, हर किसी के पास मेरी इंफॉर्मेशन जा रही है, मोटिव ही यही है। देखो जब भी प्रमोशन होता है, दो मोटिव होता है, एक कि मुझे ब्रांडिंग करनी है, दूसरी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों तक। तो अगर आपसे कोई पूछे आज के बाद व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग इज अ प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जो मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, उसको हम मार्केटिंग बोलते हैं। तो होप सो आपको चीजें क्लियर अप होगी होगी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप इसको भी चाहो तो नोट डाउन कर लो, हालांकि आपको ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या प्राइजिंग मार्केटिंग है, क्या प्राइजिंग मार्केटिंग बोलते हैं, तो आप लोग नहीं सर, प्राइसिंग हमारे प्रोडक्ट की होती है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, मैं उसका प्राइस फिक्स कर सकता हूं। तो मार्केटिंग क्या है, उस प्रोडक्ट का प्रमोशन है, लोगों तक इंफॉर्मेशन डालनी हमारी मार्केटिंग कहलाती है। होप सो आपको जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग समझ में आया होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन यहां पे है कि सर टाइप ऑफ मार्केटिंग, अगर मैं ही पूछूं आपसे कि पूरे वर्ल्ड में कितने टाइप की मार्केटिंग है, कोई बता पाएगा, नंबर बता, नंबर 1 2 3 4 5, कोई बता पाएगा कितने टाइप की मार्केटिंग है। एक बोल रहे अनलिमिटेड, दो दो बोल रहे हैं मैक्सिमम लोग, दो बोल, 6 भी बोल रहे हैं, वेरी नाइस एफिलिएट, 3 2 3 2 3 10। ओके अब आपको मैं बताता हूं कितने टाइप की मार्केटिंग होती है। लगभग अगर आप अभी गूगल पे जाके सर्च करोगे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग, आपको एक नंबर मिलेगा जिसमें मिलेगा 140+, उससे भी कहीं ज्यादा, उससे भी कहीं ज्यादा, और इतनी सारी कि आपको कंफ्यूज कर देगा। वो कंफ्यूजन नहीं लेना, उससे हमें अलग करना है। तो अभी मैं आपको ऐसे वे में एक्सप्लेन करूंगा,
आप क्या करोगे, पूरे वर्ल्ड की मार्केटिंग को याद कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन किसके अंदर आएगी। तो आपको मैं अभी यही समझा रहा हूँ कि टाइप ऑफ मार्केटिंग। अब आपने ऐसे बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखो, ये सारे हमारे टाइप ऑफ मार्केटिंग के अंदर ही आते हैं। जैसे आपने देखा होगा टीवी एंड रेडियो, बोलोगे सर ये भी तरीका है, लोग यहाँ पे भी एड चलाते हैं। सेम आप बोलोगे सर मोबाइल में भी तो आते हैं, मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, वो भी तो मार्केटिंग होती है। फिर आप बोलोगे सर वायरल मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग में किसी चीज को हमने फेमस कर दिया, वायरल कर दिया। जैसे आप आजकल देखते हो वायरल वीडियो हो गया, कौन सा वाला, कच्चा बादाम, वायरल हुआ कि नहीं हुआ। सेम ऐसे हम किसी चीज को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो भी हमारा वायरल मार्केटिंग है। सेम ऐसे ही एक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, अगर जितने भी टिकटॉकर हैं अगर आप उनका बायो पढ़ोगे ना, उन पर वो ये वर्ड लिखा होगा इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मीनिंग है कि मैं किसी भी चीज के लोगों को क्या करूं, इन्फ्लुएंस कर, लोगों को बताऊं ये क्या है। अगर वो ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आप भी लिख सकते हो। मैक्सिमम टिकटॉक पर जितने भी फेमस हैं आप एक बार जाके देख लेना उनके बायो में, ये वर्ड मिलेगा। तब उनका काम क्या है, प्रमोट करना। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये सब आपको अलग अलग इससे भी कहीं ज्यादा मिलेंगे, आपको कहीं ज्यादा, जो क्या करेंगे आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगे। तो मैं यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ मेन दो टाइप की मार्केटिंग बताऊंगा जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड की सारी मार्केटिंग आ जाएगी। दो ही टाइप की मेन मार्केटिंग है जिसमें पूरे वर्ल्ड की सारी मार्केटिंग आ जाएगी। किसी को पता है वो दो टाइप क्या है, कोई गेस करेगा? आपने जितने भी नाम सुने हैं, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये सब हमारे टाइप ऑफ मार्केटिंग के अंदर आते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, हाँ बी टू बी मार्केटिंग, बी टू सी मार्केटिंग, ये सब कुछ ही आते हैं, कंफ्यूज मत होना। अभी हम सिर्फ दो ही पढ़ेंगे, अभी समझ लेना कि हाँ ये सब ही टाइप के अंदर आते हैं। दो कौन कौन से हैं अभी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। उनमें सबसे पहला हमारा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं इन शॉर्ट में, अगर आपसे कोई पूछे, इसको ही हम बोलते हैं आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलिए या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग बोलिए। अगर मैं आपसे पूछूं तो अभी जो हमारे यहां पे जो आप या तो बोलो क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलो या ऑफलाइन मार्केटिंग बोलो, ऐसी मार्केटिंग, ऐसा प्रमोशन जो विदाउट इंटरनेट होता हो उसको हम ऑफलाइन मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो ये वर्ड ट्रेडिशनल, मैं भी आपसे पूछूं जितने भी यहां पे फीमेल हैं, जरा आप लोग मुझे आंसर करो, इंडिया का जितने भी फीमेलों का ट्रेडिशनल क्लॉथ क्या है और मेल का क्या है ट्रेडिशनल क्लॉथ? अगर मैं फीमेल का पूछूं, फीमेल का क्या है? अच्छा, अरे राहुल आप तो कम से कम मेल का बताते, आप फीमेल का बता रहे हो। अभी बोल रहे हैं कुर्ता धोती, वेरी नाइस। मैक्सिमम लोग बोलो सर ट्रेडिशनल क्या, जो पहले भी पहन रहे थे, आज भी पहनेंगे और आगे भी पहनेंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि साड़ी पहनना बंद कर देंगे, नहीं, हमेशा ही पहन रहेंगे। सेम ऐसे ही ऐसी मार्केटिंग जो पहले भी हो रही थी, कब, जब इंटरनेट नहीं था, आज भी हो रही है और आगे आने वाले 10-50 साल भी होगी, उसी को हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, उसी को हम ऑफलाइन मार्केटिंग बोलते हैं। प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विदाउट एनी इंटरनेट इज नोन एज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ऐसा मार्केटिंग जिसपे हम इंटरनेट बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं।